नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम वी की न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर तहसील कौन से आ रही है, जहां पर कृषि बिल का सपा विरोध करते रहेंगे। एमएलसी रामा निरंजन ने पत्रकारों से की वार्ता, देखिए हमारी रिपोर्ट। कौन समाजवादी पार्टी की एमएलसी रमा निरंजन को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमले करते हुए सरकार पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। आरपी निरंजन सहित कई युवा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकार वार्ता करते हुए एमएलसी ने कहा कि पीएमसी कृषि बिल किसान विरोधी है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बिल को पारित किया गया है, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी लगातार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आज चोरों का अपराध, आज चारों और अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं और बेरोजगारी चरम पर है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज के लिए कोंच तहसील से संवाददाता भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अध्यादेश की बात सही है कि उनकी जो एक्चुअल जो पावर थी इस अध्यादेश से छिन जाएगी और स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे। बिचौलिए इसमें बड़े बड़े लोग बहुत फायदा ले जाएंगे, ये बात सच है। मैं तो ऑलरेडी इसका विरोध करूंगा, लेकिन विरोध किसान हर जगह कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया और हम भी इसका। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।